हेलो गाइज वेलकम सो वी आर गोइंग टू डू येस्टडेज़ न्यूज़ पेपर एनालसिसज विच इज़ पेंडिंग विच वी वर नॉट एबल टू डू सम वर्क गाइज दे वॉज सम गेस्ट एट माई प्लेस सो सॉरी फॉर द नॉइज सो वॉज नॉट एबल टू डू द एनाइसिसज सो नाउ विल बी कवरिंग द एनाइसिस सो दैट वी डू नॉट हैव एनी बैकलॉग्स नॉर्मली अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हम छः बजे सिक्स पी एम पे हर रोज़ दो हिंदू का एनालिसस करते हैं एवरी तो hmm. so, 6 पीएम पे हर रोज़ यहाँ पर पे न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है 6 पीएम टू 7 पीएम में दो हिंदू का एनालिसिस करते हैं हम ठीक है एंड फाइव ओ क्लाक फ़ाइव पी पे हमारा संडे को रिविजन uh, सेशन होता है जहाँ पे हम पूरे वीक की जो न्यूज़ है वो एम फॉर्मेट में और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं वो मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ ठीक है मंथली न्यूज़ भी हमारी आने वाली है तो मंथली न्यूज़ भी हम ही आपको रिवाइज़ करवा देंगे विच वुड बी अगेन वेरी गुड फॉर यू ठीक है ना तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस इफ़ यू आर लाइव तो बता दो मैं ऑडिबल हूँ या नहीं तो जयललिता ट्रीटमेंट हॉस्पिटल गेट्स क्लीन चिट तो ये क्या है इसकी स्टोरी क्या है तो जयललिता कौन थी चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी वो ठीक है और उनको कोई इशू हो गया था प्रॉब्लम हो गई थी तो अपोलो हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल्स में एडमिट हुई थी तो यहाँ पे नंबर वन पॉइंट हमें क्या बताना चाहिए कि तमिलनाडु की सीएम थी क्या नाम था उनका जयललिता इनके ऊपर मूवी भी आई थी ठीक है तो जयललिता ठीक है अब इनके ऊपर क्या था कि जो अपोलो हॉस्पिटल्स हैं उनको ये लग रहा था कि क्या पता उन्होंने मतलब पॉलिटिकल इशू की वजह से कुछ मतलब उनका ट्रीटमेंट सही हुआ था या नहीं हुआ था तो ये क्वेश्चन उठ रहे थे एज पर करेक्ट मेडिकल प्रैक्टिस एंड नो एरर्स हैव बीन फाउंड इन द केयर प्रोवाइडेड ये किसने बोला है एम्स मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द दर्कमांस ऑफ हर हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट जहाँ पर हमारे पास तीन पॉइंट्स आते हैं एक तो जयललिता कौन थी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी किस हॉस्पिटल ने उनका यू नो ट्रीटमेंट किया अपोलो हॉस्पिटल्स ने किया और ये uh, कि उन्होंने एम्स ने क्या हेल्प किया एम्स की मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करी थी उन्होंने कहा कोई एरर नहीं है उनके नो एरर इन द ट्रीटमेंट नो एरर इन द ट्रीटमेंट ठीक है द मेडिकल बोर्ड कॉम्प्राइजिंग सेवन एक्सपोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन कॉल्ड फॉर द सेम विद रिगार्ड टू द अब ये मेडिकल बोर्ड किसने बनाया था हु कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाया किसने बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है कब बनाया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अब यहाँ पर इन इट्स फाइनल रिपोर्ट डेट द बोर्ड हैज़ गिवन क्लीन चिट टू द हॉस्पिटल एंड अग्रीड विद द फाइनल डायग्नोसिस मेड बाय द हॉस्पिटल बिकॉज पॉलिटिकल इशू था तो यहाँ पे लग रहा था कि कहीं जान पूछ के तो नहीं उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया कि वो उनकी डेथ हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं था वो कहते बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद वार्निंग लेबल्स तो वार्निंग लेबल्स, तो वार्निंग लेबल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब यहाँ पर एक रिसर्च हुई है तो जल्दी से नोट्स बनाएंगे हम फटाफट से तो नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पर हाँ जी एक मिनट देखिए अ न्यू स्टडी इन इंडिया अ न्यू स्टडी इन इंडिया हैज़ फाउंड दैट वार्निंग लेबल्स ऑन फूड पैकेट्स आर मोर इफेक्टिव इन हेल्पिंग कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई फूड्स हाई इन शुगर सेचूरेटेड फैट एंड सोडियम एज़ कंपेयर्ड विद अदर लेबलिंग फॉर्मेट्स तो कौन से वार्निंग लेबल्स इन फूड पैकेट जो है वो सबसे सही रहते तो जहाँ पर मैंने ब्राकेट डाला फूड और मोस्ट एक्सपेक्टेड तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट नंबर वन नोट कर लो ठीक है उसके बाद पब्लिश्ड इन एन ओपन असेस जनरल न्यूट्रिएंट्स कौन से जर्नल में हुआ न्यूट्रिएंट्स ठीक है उसके बाद इट फाउंड दैट ऑन मोस्ट पैरामीटर्स द हेल्थ स्टार रीडिंग फॉर्मैट वेर अ प्रोडक्ट इस साइन बिटवीन हाफ स्टार एंड फाइव स्टार्स वॉज लीस इफेक्टिव अब ये हम इस चीज़ की बात करके रहें देखिए क्या हुआ बेसिकली जो एफ एस एस ए आई है एफ एस एस ए आई क्या है फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ये फ़ूड को सेफ्टी और उसके लिए स्टैंडर्ड्स फ़ूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड सेट करने वाली अथॉरिटी है तो इसको क्या बोला जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईजी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ठीक है तो एफ़ एस एस ए आई जो है ये इन्होंने बोला कि अब से जो फूड फूड होगा जिसके अंदर की अनहेल्दी चीज़ें होंगी जैसे कि रिफाइंड ऑयल है या फिर शुगर है या फिर फैट्स हैं जो अनहेल्दी है ठीक है कोई चीज़ फ्राइड है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है तो वो अनहेल्दी है तो उसके ऊपर स्टार रेटिंग सिस्टम होगा मान लो लेस का पैकेट है चिप्स का पैकेट है कोई भी ठीक है ना चिप्स हैं लेस है तो अगर उसके अंदर वो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अनहेल्दी है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टार रेटिंग करेंगे ठीक है अब इसके अंदर वो लगा लेंगे चिप्स में पोटैटो ठीक है ना अब पोटैटो हेल्दी तो चलो दो स्टार मतलब ये तो फाइव स्टार है पोटैटो हेल्दी है बट पोटैटो के साथ अब वो क्या कर रहे हैं उसको फ्राई कर रहे हैं तो अनहेल्दी तो वहां पे वो क्या है एक पर्टिकुलर सिस्टम से स्टार रेटिंग देंगे एंड ओवरऑल फिर रेटिंग देंगे मान लो थ्री स्टार्स दे दिए ले इसको क्योंकि इसके अंदर कुछ हेल्दी चीज़ें हैं कुछ अनहेल्दी भी हैं तो वो कहते हैं कि जो ये वाला सिस्टम है ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है कौन सा हेल्थ स्टार रेटिंग जो सिस्टम लेकर आने की कोशिश करी जा रही है एस एस जो लेकर आ रहा है वो जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा इंडिया के अंदर और कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी ये जिस भी कंट्री में ये वाला सिस्टम लेकर आए इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल ठीक है सक्सेसफुल नहीं रहा ये वाला सिस्टम जिसमें स्टार रेटिंग इसमें इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे अगर हेल्दी चीज़ों के लिए ज़्यादा स्टार्स मिलते हैं अगर अनहेल्दी चीज़ों के लिए सॉरी कम स्टार्स मिलते हैं तो हेल्दी uh, चीज़ों के लिए स्टार मिल uh, और मिलते हैं तो जो इक्वलेंट स्टार्स होते हैं उसमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली हेल्दी है या अनहेल्दी है क्योंकि उसमें जो हेल्दी uh, चीज़ें क्या पता वो भी एक पॉइंट के बाद अनहेल्दी हो गयी जैसे अगर हमने पोटैटो लिया उसको फ्राई कर दिया डीप फ्राई कर दिया तो ऑब्वियसली दैट इज़ अनहेल्दी फॉर अस ठीक है तो ये एक प्रॉब्लम है और इंडिया में ये नहीं सक्सेसफुल होगा ऐसा बोला जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ठीक है द स्टडी कम्स एट अ टाइम एंड फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इशू इट्स ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग ऑन फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग एफ ओ पी एल एंड एज इंडिकेटेड दैट इट फेवर्स एच एस एल मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो एफ एस ए आई आई है वो क्या लेकर आना चाहती है स्टार रेटिंग सिस्टम लेकर आना चाहती है बट स्टार रेटिंग सिस्टम जो है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा ऐसा बोला जा रहा है द अथॉरिटी कंडक्टेड नाउ इसके अंदर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री को फेवर कर रहे हैं ठीक है द दर्दर्स कंडक्टेड एन इन पर्सन रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट ऑन टू थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी नाइन अडल्ट स्टेट्स इन इंडिया वे पार्टिसिपेंट्स वर शोन फूड पैकेट्स अब यहाँ पे कितनी ये नंबर टू एट सिक्स नाइन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और कितनी स्टेट्स में किया गया सिक्स स्टेट्स ये वाला पॉइंट जो मैंने अलग से लिखा है ये आप भी नोट कर लीजिए ठीक है तो ये इनका सैम्पल साइज बताता है कि जो रिसर्च करिए इतने लोग इसमें इंक्लूडेड थे वे वन ऑफ द फाइव एफ ओ पी एल्स अ कंट्रोल लेबल एक होता है बार कोड एक होता है न्यूट्री स्पेसिफिक वार्निंग लेबल ऑक्टा लेबल ऑक्टागन सिम्बल इंडिकेटिंग वेदर द प्रोडक्ट वॉज हाई इन शुगर सॉल्ट और सैचरेटेड फैट हेल्थ स्टार रेटिंग गाइड फॉर डेली अमाउंट जी डी ए दैट गिव्स न्यूट्रिय कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है ये सारा हमें नोट करना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के हमारे लेबल्स होते हैं क्योंकि जो लेबल वाली न्यूज़ है ये अभी नहीं हो सकता मैम पोस्ट कर देना वीडियो को बिकॉज ट्वेंटी अगस्त की नी है पोस्टेड ट्वेंटी अगस्त ऑगस्ट की हो गई है पोस्टेड कर दिया ट्वेंटी एर्थ का एनलाइसिस इट इज़ विजिबल ठीक है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको ये नोट कर लेना कितने कितने टाइप के ये रेटिंग सिस्टम्स हैं ट्रैफिक लाइट रेटिंग सिस्टम ठीक है ये है जिसके अंदर ग्रीन लेवल्स न्यूट्रिय होते हैं उसके बाद एज प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एक्सेस लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न सच ठीक है नाउ सिक्सटी पॉइंट एट परसेंट रेकोगनाइजिंग हार्मफुल न्यूट्रिय एज कम्पेयर टू फिफ्टी फाइव परसेंट रेकोगनाइजिंग दैम वैन दे वर शोन अ जी डी ए लेबल एंड फिफ्टी फोर परसेंट वैन शोन अ ट्रैफिक तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये लेबल सिस्टम थे उसके ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने कहा कि सिक्सटी पॉइंट एट जो थे वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब था रेकोगनाइजिंग हार्मफुल वार्निंग लेबलटेड विदेट विदनिंग लेबल विद सिक्सटी पॉइंट एट परसेंट रिकोगनाइजिंग हार्मफुल न्यूट्रिय ठीक है ना वार जहाँ पर वार्निंग लेबल लगा दिया गया एक मिनट यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा अब एक मिनट गाइस चल पड़ा अच्छा ठीक है तो पैकेट विद वार्निंग लेबल जो है एक मिनट इसको ऐसे रखते हैं तब ये चलेगा हाँ ठीक है ना तो वार्निंग लेबल जो जब जब वार्निंग लेबल लोगों को दिखा रहे तो 60.8 परसेंट जो लोग हैं वो रिकोगनाइज कर पा रहे हैं हार्मफुल न्यूट्रिय as compared to तो 55 फाइव परसेंट रिकोगनाइजिंग दैन दे, देवर शो न जी डी ए लेबल एंड 54 फोर परसेंट वैन तो 60.8 पॉइंट परसेंट जो वार्निंग लेबल उनको दिखा रहे हैं तो वो बड़े ईजिली उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो न्यूट्रिय स्पेसिफिक वार्निंग लेबल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ऑक्टागन सिम्बल इंडिकेटिंग whether the प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर न्यूट्रिएंट तो so, हम अगर आपको सारे लेबल्स के बारे में नहीं नोट करना तो न्यूट्रिएंट लेबल के बारे में जरूर नोट कर लो बिकॉज ये कह रहे हैं इनके स्टडी के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था जहाँ पर क्लियरली सैचुरेटेड फैट कौन सा होता है कुछ फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है कुछ बेकार होता है तो सैचुरेटेड फैट इज नॉट हेल्दी फॉर अस वो वाला फैट है हेल्थ स्टार रेटिंग लेबल परफॉर्म द वर्स्ट विद ओनली फोर्टी तो ये भी हमें नोट करना पड़ेगा कि जो एफ एस ए ए आई लेके आने का सोच रही है वो एक्चुअल में उसने सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म पर्फ� किया है ठीक है द वार्निंग लेबल आउट लेम अदर लेबल्स इवन सेकेंडरी आउटकम्स वर कंसर्न सच एज रिसीव्ड मैसेज इफेक्टिवनेस इफेक्टिव इज ऑफ ठीक है उसके बाद ये वाला है द डीडी एंड एम डी ठीक है बस ये दो चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी ठीक है ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट जो भी दो तीन लोग हैं वही बता दो आज वन ऑन वन क्लास टाइप्स हो गए तुम लोगों की तो कोई भी इशू होगा तो पूछ लेना ठीक है ना मैं समझा दूंगी चार्ट देख रही हूँ मैं एल जी लॉन्चेज बुक तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के जो एल जी है उन्होंने बुक uh, लॉन्च करी है एरा ऑफ रेवोल्यूशनरीज 1857 फिफ्टी सेवन टू नाइनटीन फोर्टी फोटी में हम आज़ाद हुए तो एरा ऑफ रेवोल्यूशनरीज एल जी विनय कुमार सक्सेना ने बुक लॉन्च करी है तो ये इंपॉर्टेंट है असव आली एंड लाला हरदयाल अमंगर टोटल ऑफ सिक्सटीन ठीक है बुक डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज अनसंग हीरोज़ कौन होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है उनको अनसंग हीरोज़ बोलते हैं अमंगर टोटल ऑफ सिक्सटीन ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम स्टार्ट

है ना एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा ठीक है ना ये जो कहता है इसकी जजमेंट इसका डिसीजन पूरे ही इंडिया के अंदर मतलब माना जाता है ना एन पे ठीक है अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बट हाई कोर्ट फिर क्या आते हैं कोर्ट ठीक है courts, अब ये इंडिया हमारा ठीक है ऐसे मान लो सॉरी गाइस बहुत ही मतलब हाँ ठीक है अब यहाँ पर अगर कोई जो अच्छा चलो चलो इंडिया को हम ऐसे नहीं बनाते ठीक है ये मान लो ये एक ये हमारा ये बॉक्स जो है ये पूरा इंडिया ठीक है अब इसके अंदर स्टेट्स डिवाइडेड हैं ठीक है ना ये हिमाचल प्रदेश है ठीक है ये दिल्ली है ठीक है ये पंजाब है ये हरियाणा है अलग अलग स्टेट्स हैं तो इनके अलग अलग कोर्ट्स हैं दिल्ली का हाई दिल्ली का हाई कोर्ट सिर्फ दिल्ली के केसेस सुनेगा और दिल्ली का हाई कोर्ट जो कहेगा वो दिल्ली पे ही लागू होगा समझ रहे हो ये बात या नहीं हाँ या ना इन द चार्ट सेक्शन जो दिल्ली का हाई कोर्ट कहेगा वो किसको माननी पड़ेगी सभी दिल्ली वालों को दिल्ली का जो एरिया है उस पर वो लागू होगी ठीक है जो पंजाब वाले हैं उनको पंजाब वाला जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गया क्योंकि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है तो पंजाब एंड हरियाणा वाले अपने हाई कोर्ट मानेंगे जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट कह रहे वो दिल्ली वालों को मानने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना जिस स्टेट का हाई कोर्ट जो वो बोलता है वो उनको करने का रहता है ठीक है इतनी बात क्लियर है क्लियर है तो इसी बात के ऊपर ये बोल रहे हैं फेडरलिज्म क्या होता है डिविजन ऑफ पावर ठीक है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिवीजन ऑफ पावर है कुछ चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है हाई कोर्ट नहीं कर सकता और कुछ चीज़ें जो हाई कोर्ट कर सकता है वो हाई कोर्ट ही कर सकता है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता डिवीजन है ठीक है अब यहाँ पे वो कह रहे हैं फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ जिसके ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है जैन जो चेंज नहीं करी जा सकती बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मानना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता अमेंड नहीं कर सकते अमेंडेबल अमेंड अमेंड नहीं कर सकते ये वो चीज़ें हैं ठीक है तो फेडरलिज्म इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट अपलाइज टू द जुडिश्री एज वेल अ हाई कोर्ट इन वन स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज पावर विच अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय द हाई कोर्ट इन अनदर स्टेट अब ये क्या कह रहे हैं कि जो दूसरे हाई कोर्ट मतलब यहाँ पर ये है कि दिल्ली वाला जो है वो हरियाणा वालों को नहीं बता सकता कि भैया क्या करना है ठीक है ना हरियाणा वालों को कौन बताएगा हरियाणा का हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ही बताएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट बता सकता है क्योंकि वो हर स्टेट का स्टेट स्टेट के अंदर उसकी जुरिस्टिक्शन है क्या बोलते हैं इसको जुरिस्टिक्शन ठीक है द मद्रास हाईकोर्ट हैज सेट वाई होल्डिंग दैट ओनली द कर्नाटका हाईकोर्ट कैन रूल ऑन अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिमूविंग बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज फ्रॉम द एमबीट ऑफ अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन चेन्नई द मिनिस्ट्री हैड विद्रॉन अ नोटिफिकेशन इशूड ऑन फेब्ररी फोरटीन डिक्लेरिंग दैट बैंगलुरू कॉलेज वुड फॉल विद इन द एमब ऑफ चेन्नई यूनिवर्सिटी सिंस द ऑर्डर हैड बीन पास बाई सेंट्रल पर्सन टू डायरेक्शन इशूड बाई कर्नाटा हाईकोर्ट ऑन सोल्सो टू रिकंसिडर द ग्रांट ऑफ ट्वेंटी नाइन एमब द प्रेजेंट पिटिशन ऑट टू हैव बीन फाइल ओनली इन कर्नाटका जस्टिस तो वो क्या कहते हैं कि बैंगलोर कहाँ पर आता है कर्नाटका में जो प्रेजेंट पिटिशन है वो कर्नाटका के अंदर ही फाइल होना चाहिए जो हम नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोर्ट्स की हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक वो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी मिल गई होगी हिमाचल प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स हिमाचल के अंदर बहुत ही गंभीर बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों हो रही है क्यों हो रही है बहुत ज़्यादा हर कोई कह रहा है क्लाइमेट चेंज येस क्लाइमेट चेंज एक वजह है बट वहां पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और हिमाचल एज हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस नेचर्स फरी फ्यूरी फ्यूरी मतलब गुस्सा Anger in the form of landslides, uh, landslips, cloud bursts, flash floods, of uh, av avalanches and droughts. Year after year, natural hazards have become a matter of immediate concern. The hilly region's latest state of environment report shows. द रिपोर्ट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट्स आउट द माउंटे एरियाज आर हाईली वनडरेबल अब किसने रिपोर्ट लिखी है रिपोर्ट किसने लिखी है रिपोर्ट इज रिलीज बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है ये वाली जो है यह नंबर वन इम्पॉर्टेंट अब यह क्या कह रहे हैं पॉइंट एट माउंटेन एरियाज आर हाईली वनडरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स वे डि डेवेलपमेंट ओवर द ईयर हैज कंपाउंडेड द प्रॉब्लम बाई अपसेंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेस ये नोट करेंगे कि वहां पर क्या हो रही है लगातार डिवेलप डेवलपमेंट हो रही है क्या है हो रही है, रही है वहाँ पे लगातार डेवलपमेंट हो रही है रोड्स बन रही है वहाँ पर एंड उस डेवलपमेंट की वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हिल गया है एंड तभी ये सारे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको रीज़न पता होना चाहिए ओके एस अकॉर्डिंग टू दैन वन एस्टिमेट अबाउट फिफ्टी एट पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ऑफ द लैंड इज अब्जेक्टेड टू इंटेंस सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन में मिट्टी जो लैंड है इसके ऊपर मिट्टी पड़ी लैंड है ठीक है ना इसके कुछ भी ट्रीज नहीं है ग्रास नहीं है तो क्या होगा सॉइल क्या होगा उड़ेगी इरोजन होगा तो इससे क्या होता है ऑब्वियसली पहाड़ों के अंदर अगर पहाड़ को पक्का अगर रखना है तो उसके ऊपर कुछ उगा होना चाहिए स्पेशली पेड़ जो हैं वो अपनी जड़ें मज़बूत करते हैं बट कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग और ये सब हो रही है हिमाचल प्रदेश इज़ वनरेबल टू ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ थर्टी थ्री टाइप्स ऑफ हज़ार्स आइडेंटिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी नोट करेंगे कि थर्टी थ्री में से ट्वेंटी फाइव नंबर आते हैं कि इतने हज़ार हज़ार मतलब जो डेंजरस नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं ठीक है ठीके? चलिए उसके बाद इंडिया अंडरस्टैंड सिचुएशन तो श्रीलंका के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है हरिन फर्नांडो ये नोट कर लो ये इंडिया में आए हुए थे अपना टूरिज्म प्रमोट करने ठीक है ना तो क्या कह रहे हैं कि हम समझ हमें लगता है कि इंडिया जो है वो समझता समझता होगा हमारी सिचुएशन तो युवांग फाइव क्या है सैटेलाइट शिप किसकी चाइना की जो हबन टोटा पोर्ट पर आ खड़ी हो गया श्रीलंका के तो हमने कहा भाई ये नहीं आनी चाहिए फिर भी ये आ गई तो उनका मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई समझो हम चाइना और इंडिया के बीच में पिस रहे हैं क्या हो रहे हैं पिस रहे हैं ठीक है चलो यू वेंट टू डिसाइड ऑन ट्राव टू कर्ब ऑन ट्रैवल कर्ब्स ऑन तालिबान तो तालिबान के जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ यूनाइट uh, नेशंस ने ट्रैवल बैन लगाए हुए थे तो अब एग्जाम्प्ट कर रहे हैं इनको मतलब उनमें से निकाल रहे हैं तो बढ़ते हैं तो नेशंस इज सेट टू एंड ट्रैवल बैन एग्जाम्शन फॉर थर्टीन तालिबान ऑफिशियल्स ऑन फ्राइडे पेंडिंग एनी डील बाय सिक्योरिटी मेंबर्स ऑन पॉसिबल एक्सटेंशन अंडर अ ट्वेंटी ये नंबर होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के नंबर हैं ईयर नहीं है ये क्या है नंबर है ठीक है 135 तालिबान ऑफिशियल्स आर सब्जेक्ट टू सैंक्शंस दैट इंक्लूड एसेट फ्रीजेस एंड ट्रैवल बैन तो ये हमें नोट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बाद बट 13 ऑफ देम वर ग्रांटेड एग्जामेशन फ्रॉम द ट्रैवल बैन टू अलाउ देम टू मीट ऑफिशियल अब इनमें से ये देखो यहाँ पे अभी नंबर दिया हुआ वन थर्टी फ़ाइव पर ट्रैवल बैन था ठीक है ना और एसेट फ्रीज था एसेट फ्रीज मतलब कोई लैंड है कुछ है उसका यूज़ नहीं कर सकते उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ऐसा सा कुछ होगा तो ये हमें एसेट फ्रीज था और ट्रैवल बैन था वन थर्टी फ़ाइव तालिबान ऑफिशल पर ठीक है अब उसमें से थर्टीन को अलाउ करा गया ट्रैवल करने के लिए क्यों करा गया अब अलाउ टू मीट ऑफिशल फ्राम अन अदर कंट्रीज अब्रॉड ठीक है ना तो अब इसके ऊपर चेंजेस लेकर आएंगे ये तो ये पढ़ लेते हैं अब यहाँ पर अमंग are Deputy Prime प्राइम मिनिस्टर Ghani गहानी and एंड डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ़ फ़ॉन अफेयर्स शेर मोहम्मद अब्बास सुल्तान केजाये ठीक है अब देखो यार यहाँ पर ना हमें सारा नोट करना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है हमें ये लिखना है और डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ़ फ़ॉरन अफेयर्स कौन है हमें ये दो ये दो चीज़ें हमें ज़रूर लिखनी है ये नोट करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पर रशियन क्रॉप्स फर्टिलाइजर मस्ट रीच वर्ल्ड मार्केट यू एन चीफ अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था फूड ग्रेन डील के बारे में पढ़ा था क्या पढ़ा था फूड ग्रेन डील किसके बीच में हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में तो बेसिकली यूक्रेन जो है यूक्रेन जो है वो उस वो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है ठीक है ना मक्की हो गई मेज़ ठीक है ये बहुत ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और ये वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है अब कहा जा रहा था कि क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चली हुई है तो अगर यूक्रेन के ग्रेन्स जो हैं वो कंट्रीज़ में नहीं पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा फ़ूड क्राइसिस हो जाएगा वर्ल्ड में क्या हो जाएगा फ़ूड क्राइसिस हो जाएगा तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया रशिया को बिठाया गया यूक्रेन को बिठाया गया और डील करी गई जिसमें रशिया को कहा गया कि यू एन और टर्की किसने डील करवाई है यू एन और टर्की ने डील करवाई है कि हम लोग बेक शौक करेंगे तो रशिया क्या कह रहा था तो देखिए जो पोर्ट्स बने हुए थे ना उस पर कुछ पोर्ट मोस्टली पोर्ट्स तो रशिया ने अपने कब्जे में कर लिए ठीक है ना किसके पास है पोर्ट्स जो यूक्रेन के अब रशिया के पास हैं जो दो पोर्ट्स यूक्रेन के पास थे वहाँ पे हैवी माइनिंग हो रखी थी माइनिंग का मतलब क्या होता है ये ऐसी ऐसी माइंस होती हैं ठीक है ठीके? अगर उसको टच कर जाए तो वो ब्लास्ट हो जाती हैं तो मतलब ये वाले पोर्ट्स के पास कोई जा नहीं सकता था और पोर्ट्स के थ्रू ही जो ग्रेन्स हैं वो दूसरी कंट्रीज तक पहुँचते थे यही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था जो सबसे ईजी था सबसे इनएक्सपेंसिव uh, मतलब कॉस्ट फ्रेंडली अफोर्डेबल था तो इसलिए यूएन और टर्की ने दोनों को मनाया कि हम एक शॉ sure करेंगे अब रशिया का क्या, क्या था रशिया कहता कि जो शिप आ रही है अगर उसके अंदर वेपन्स आ गए तो अगर जो शिप आ रही है उसमें वेपन्स आ गए तो तो अब यूएन की रशिया और यूक्रेन के ऑफिशल्स कहां पर बैठे हैं? इंस्टैंड में बैठे हैं और ये जो शिप्स हैं इसमें और ट्रेड है, मतलब है, है, है। क्लैरिटी है इसके ऊपर अब क्या है ट्रेड का और मतलब इस डील के अंदर और भी चीजें थी वो यहां पे डिस्कस करी हुई है रशियन फर्टिलाइजर्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो रशिया जो है वो फर्टिलाइजर और रशिया के ज भी बहुत सारे फूड ग्रेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो वो भी वर्ल्ड में भेजेगा मस्ट बी एबल टू रीच वर्ल्ड मार्केट अनइम्पेडेड और अ ग्लोबल फूड क्राइसिस कुछ स्ट्राइक एज अर्ली एज नेक्स्ट ईयर तो यू एन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोरियो ग्रूटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है यूक्रेन का फूड ग्रेन वर्ल्ड में पहुंच गया बट हमें रशिया का फूड ग्रेन भी वर्ल्ड में पहुंचाना पड़ेगा अगर रशिया का फूड ग्रेन नहीं पहुंचता है वर्ल्ड के अंदर तब भी फूड क्राइसिस आ जाएगा क्योंकि अगर फर्टिलाइजर नहीं पहुंचे फर्टिलाइजर किस पे हम डालते हैं क्रॉप्स पे डालते हैं अगर क्रॉप्स फेल होगी तब भी प्रॉब्लम है और जहाँ पे ग्रेन रशिया भेज रहा था वहाँ पे नहीं पहुँच तो वहाँ पे भी फूड क्राइसिस आ जाएगा तो ये वाला पॉइंटर हम नोट कर लेंगे और सबको पता होना चाहिए कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पर जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ पे आए इन स्टैंबुल में आए द जे सी सी ओवरसीज से इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइंड इन जुलाई बाय कीव एंड मॉस्को मतलब यूक्रेन एंड रशिया विद द यूएन एंड टर्की एज गारंटर्स उसमें गारंटर्स कौन है यू एंड टर्की मीडिएट किसने करवाया है यू एंड टर्की ठीक है तो ये भी नोट कर सकते हैं आप द अग्रीमेंट ऑल्सो गारंटीज अब यहाँ पर ये चीज़ है कि जो अग्रीमेंट है वो क्या गारंटी करता है रशिया गारंटीज रशिया दैट द राइट टू एक्सपोर्ट इट्स Um... राइट टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड फ़र्टिलाइजर डिस्पाइट वेस्टर्न सेंक्शन अब रशिया का क्या है रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंकशंस लगे हुए हैं सेंशनस का मतलब क्या होता है सेंक्शनस का मतलब ये कि उनको रोका हुआ है कि कोई रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा फिर नॉर्मली जो ट्रेड होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है यू एस डॉलर्स में होती है तो उससे वो बाहर निकल गया है रशिया तो अब क्या है रशिया अपनी करेंसी में रूबल रशिया की करेंसी है उसके अंदर ट्रेड करता है बट यहाँ पर कहा गया कि रशिया जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स में ट्रेड करे द अदर पार्ट ऑफ दिस पैकेज डील इज दोट करोगे आप द अदर पार्ट ऑफ द पैकेज डील इज द अनइम्पेडेड असेस टू ग्लोबल मार्केट ऑफ रशियन फूड एंड फर्टिलइजर विच आर नॉट सब्जेक्ट टू सैक्शन ठीक है तो ये इसे वो कह रहे थे सैक्शन नहीं लगे हुए विदाउट फर्टिलाइजर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू दे मे नॉट बी इनअ फूड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री गेटिंग मोर फूड एंड फर्टिलाइजर आउट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया इज क्रूडशियल टू फर्द काम कॉमोडिटी मार्केट एंड लोअर प्राइसिस ऑफ कंज्यूमर्स द ब्रेव कमांडर लेफ्ट द यूक्रेनियन पोर्ट ऑफ डैनी ऑन ट्यूजडे विद ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टनज ऑफ वीट बिफोर क्रॉसिंग द बॉसपोरस ऑन वेनजे इवनिंग ठीक है ना तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रेव कमांडर ये शिप जो फर्स्ट शिप गई है उसका नाम क्या है ब्रेव कमांडर क्या नाम है उसका ब्रेव कमांडर जो फर्स्ट शिप गई है उसका नाम क्या है फर्स्ट एड शिप चार्टर्ड ठीक है ब्रेव कमांडर ना अब यहाँ पर चलेंगे आगे मैक्रॉन टू विजिट अल्जीरिया टू रिवाइव टाइब्स तो फ्रेंच जो फ्रांस जो है फ्रांस और अल्जीरिया के अंदर जो टाइज हैं वो बहुत बढ़िया नहीं रहे थे लास्ट ईयर क्या किया था इन्होंने यहाँ पे साइन भी कर रहे हैं कुछ नहीं साइन नहीं कर रहे अब फ्रेंच अल्जीरियन फ्रांस और अल्जीरिया के बीच में टाइज हिटर लो लास्ट ईयर आफ्टर मिस्टर मैक्रॉन रिपोर्ट रिपोर्टेडली क्वेश्चन वेदर अलजीरिया हैज़ एग्जिस्टेड एज अ नेशन बिफोर द फ्रेंच इन्वेजन एंड एक्यूज इट्स पोलिटिकल मिल्ट्री सिस्टम फॉर रीराइटिंग हिस्ट्री एंड फॉरमेंटिंग हेटरे फ्रांस अज्जीरा विद्रो इट्स अम्बेसडर इन रिस्पॉन्स बट द टू स्टेट्स अपियर टू हैव मैंड टाइस तो यहाँ पे मैक्रोन जो वहाँ के प्रेजिडेंट हैं उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था अलजीरा कि ये एक्जिस्ट भी करता था यानी इन्होंने अपनी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करी है तो इन्होंने अपना अम्बेसडर जो है वो विदड्रॉ कर लिया था अलजीरा ने बट अब ये दोबारा मिलजुल कर जीने की बातचीत कर रहे हैं ठीक है बात करके रोहिंग्या की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीक रहा है एंड देरफो इसके ऊपर एडिटोरियल आ गया है तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर चलिए ऑगस्ट सेवनटीन यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ट्वीटेड द रोहिंग्याज रिफ्यूजीज वुड बी शिफ्ट टू फ्लैट्स मेन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अब यहाँ पर ना हम इसका माइंड मैप बना ले तो बहुत बढ़िया है तो सबसे पहले किसने ट्वीट किया हरदीप सिंह पुरी वो कौन है ठीक है वो है यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर लिख लो यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर यूनियन अभी पेन दोबारा चलना बंद हो गया अब चल रहा है क्या यार मुझे इतना दुख होता है अभी ये सेवन डेज पुराना लैपटॉप पे यह हाल है इसका चलो करते हैं एक मिनट रुको अब लिख रहा है तो यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर कौन है यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप ऐसे लिखोगे यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर कौन है हरदीप सिंह पुरी हैं ठीक है ना अब यहाँ पर क्या ट्वीट है दट रोहिंग्या रिफ्यूजीज वुड बी शिफ्टेड टू फ्लैट्स मैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ठीक है ना वो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जो रोहिंग्याज हैं वो ई रहीं UH, लेधा के फ्लैट्स Attend... में शिफ्ट कर दिए जाएंगे ठीक है ना और वहाँ पे क्या बेसिक कम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर जाएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी जाएगी बेसिक कम्यूनिटीज क्या होती हैं बेसिक चीज़ें जो भी चाहिए ठीक है उसके बाद अब जैसे पानी हो गया ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी द मिनिस्टर सेड इंडिया रिस्पेक्ट्स

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया कि इशूड अ क्लैरिफाइंग सेइंग दैट नो सर डायरेक्शन हैज़ बीन गिवन टू प्रोवाइड ई डब्ल्यू फ्लैट टू रोहिंग्या इलीगल फॉरनर्स तो रोहिंग्या को क्या बुलाया गया इलीगल फॉरनर वो फॉरनर जो धक्के से या फिर बिना डॉक्यूमेंट से इंडिया में इलीगली घुस आए हैं Where do the Rohingyas live in Delhi? The Rohingyas live in hutments in the densely populated Kalindi, Kunj, and Madantpun Kadar areas in the Delhi, which are contagious with Uttar Pradesh. Officially, about 1200 Rohingya have been identified as among the first batch to have travelled to Delhi in 2012 after they protested outside the UNHCR. ऑफिस इन डेली देवर प्रोवाइडेड विद रिफ्यूजी कार्ड्स तो यहाँ पर क्या है रोहिंग्याज जो है इंडिया इनको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इंडिया इनको रिकोगनाइज नहीं करता है नीदर वी आर सिग्नेटरी ऑफ दिस कन्वेंशन यू एन रिफ्यूजी कन्वेंशन नाइनटीन का हमने सिग्नेचर्स नहीं किए हुए हैं तो रोहिंग्या जो है ये म्यांमार से आए हुए हैं और वहाँ पर इनको थ्रेट है तो ये भाग कर इंडिया आ जाते हैं बांग्लादेश के थ्रू ही ये इंडिया पहुंचते हैं बहुत लोग ये बांग्लादेश में भी हैं ये मुस्लिम्स हैं बायर रिलिजन ठीक है ना तो ये इशू हुआ तो ये कहाँ पर रहते हैं कालिंदी कुंज और ये वाले एरियाज में रहते हैं और यू एन एच सी आर जो है इसकी फुल फॉर्म यू एन रिफ्यूजी एजेंसी जो है वो इनको रिफ्यूजी कार्ड प्रोवाइड करती है बट इंडिया इनको रिकोगनाइज नहीं करता इंडिया के लिए ये रिफ्यूजीज़ है एंड दे बाई इनको इलीगल फॉरनर्स बोला हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ठीक है What happened in June last year? Kya hua June last year? Mein? On June 13, 2021, a fire ravaged one of Rohingya camps at Kanchan Kunj near Kalindi Kunch Metro Station in South Delhi. The land belonged to the irrigation department of Uttar Pradesh government before the fire broke out uh, in the hutment. The Rohingya had been served notice by the UP Irrigation Department to vacate the premises. After the incident, the subdivisional magistrate Sarita Vihar and Delhi police made arrangements to move the displaced Rohingya to an empty plot nearby that. बिलोंग टू जक़्त फाउंडेशन ऑफ इंडिया एन एन जी ओ तो जकत तो क्या हुआ वो जो 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 लैंड पे वो रह रहे थे वो इरीगेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का था तो उन्होंने वो लैंड ले लिया अपना वहाँ पर आग लगी वो ये सब इंसिडेंट हुआ और फिर जक़त फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो एन जी ओ थी उन्होंने इनको कहा कि हमारी ये जगह खाली है वहां पर आप इनको जगह दे दीजिए तो ये फाउंडेशन की जगह पर अब रहेंट पेन्ट एंड प्रोवाइडेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल टॉयलेट वॉज ऑल्सो से डेली गवर्नमेंट वॉज इनक्रिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज से मंथ इनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है रुपीज सेवन लाख पर मंथ जिसके अंदर वाटर इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट इनको प्रोवाइड किया जा रहा है डेली गवर्नमेंट के थ्रू इट वॉज डिसाइडेड एट अ मीटिंग हेल्ड बाई डेली चीफ सेक्रेटरी ऑन जुलाई ट्वेंटी नाइन दैट दिस टू शिफ्ट ऑल रोहिंगा फैमिलीज टू डब्ल्यू एस फ्लैट विच वो भीटेड एज अटेंशन सेंटर एंड वुड बी पुट इन अंडर कॉन्स्टेंट पुलिस वॉच तो यहां पर जो डेली चीफ सेक्रेटरी है उसने क्या डिसाइड करा कि इनको ईडब्लू एस के फ्लैट्स में भेज दिया जाएगा और उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर जहां रिफ्यूजीज कहते हैं वहां पर डिटेंशन सेंटर बोलते हैं उसको रेजिडेंस एट द कैंप सेट द कर द पुलिस डू अ डेली रोल कॉल बट दे आर फ्री टू मूव एनी वेर अट्ट सेटअप नियर द कैंप हाउ इज़ डेली गवर्नमेंट इन्वॉल्व द फॉर्नर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस एफ आर आर ओ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग फॉर्नर एंड दर वीजाज हैज बीन रिक्वेस्टिंग स्पेस टू स्पेस एट अ न्यू लोकेशन फॉर द रोहिंग्यास फ्रॉम द डेली गवर्मेंट सिंस टू ट्वेंटी 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 वन से ये जो डिपार्टमेंट है ये न्यू स्पेस मांग रही है रोहिंग्यास के लिए ठीक है बारात घर अलॉन्ग द ई डब्ल्यू एस फ्लैट्स एट बाकरवाला विलेज टू अकोमोडेट द फॉरन इनपिट्स विद बेसिक मिनिमम हाउस फैसिलिटीज ये डिक्लेयर किया गया उसके बाद वेन डिड द रोहिंग्याज कम टू डेली कब आए ये लोग डेली में रोहिंग्या एंड एथनिक ग्रुप मोस्टली मुस्लिम तो आपको ये याद रखना है कि इनका रिलीजन क्या है मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हेल फ्राम द राखिन प्रोविंस ऑफ वेस्ट म्यांमार कहाँ से आ रहे हैं राखीन प्रोविंस है फ्राम वेस्ट म्यांमार एंड स्पीक अ बेंगोली डायलेक्ट ठीक है ना बंगाली डायलेक्ट मायनामार वॉज ये नोट करोगे मायनामार हैज़ देम दैमेज रेसिडेंट फॉरनर्स और एसोसिएट दे वो फोर्स टू लीव मायनामार इन लार्ज नंबर्स आफ्टर सेवरल वेव्स ऑफ वायलेंस विथ फर्स्ट बिगे इन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्ल ठीक है द मानमार आर्मी रिवाइव द टैक्स इन ट्वेंटी एंड लैक्स टू शल्टर इन बांग्लादेश अराउंड फाइव लैक रोहिंगा फ्लेट टू साउदी अरेबिया इन ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू जुलाई 29 नाइन ऑफ द मीटिंग रोहिंगा फर्स्ट केम टू डेली इन ठीक है तो ये बहुत सारी स्टेट्स के अंदर है राजस्थान के अंदर हैं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये लोकेटेड है उसके बाद व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ डिपोर्टेशन डिपोर्टेशन मतलब इनको वापस अपने देश भेजना है क्या कह रही है हमारी सरकार कह रही है कि हम इनको वापस अपने देश भेजेंगे बिकॉज ये इ माइग्रेंट्स है अकॉर्डिंग टू एमएचए और इ लीगल माइग्रेंट से रिलेटेड आप मुझे ब्रिटेन की पॉलिसी बता सकते हैं ब्रिटेन अभी एक नई पॉलिसी लेकर आया है इ इमिग्रेंट्स को लेकर वो कहाँ की टिकट दे रहा है वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं मतलब जो बिना डॉक्यूमेंट्स के इनकी कंट्री में आते हैं लोग उनको वो विद इन टू टू थ्री डेज में सुनेगा और फिर वापस कहाँ पर भेज देगा कहाँ पे भेज देगा मतलब उनकी कंट्री भी नहीं भेज रहे कौन सी स्टेट कंट्री में भेज रहा है कोई जिस बच्चे ने सेशन अटेंड किए होंगे पिछले वो पता होगा उनको तो प्लीज़ बताइए इतने हम ये पढ़ते हैं फिर एंड में मैं बता दूंगी ठीक है थीके? तो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू एम एच ए माइग्रेंट्स आर डिटेक्टेड आर डिटेक्टेड डिटेन एंड रिपोर्टेड अंडर प्रोविजन ऑफ पासपोर्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी और द फॉरनर एक्ट नाइनटीन फोटी सिक्स ये हमें लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे डिटेक्टेड मतलब इनको ढूंढा जाता है कि कौन इलिगली इंडिया में बैठा है बिकॉज ये डेंजरस भी हैं ठीक है ना अगर कोई लीगली इंडिया में बैठा है तो वो बहुत डेंजरस है ऐसा मानते हुए ये लोग उसको डिटेक्ट करते हैं डिटेन करते हैं और वापस इनके कम, डिटेन मतलब अपने पास लेकर आते हैं और फिर इनको वापस इनके देश भेज देते हैं रवांडा वेरी गुड तुमिर दास रवान्डा तो रवांडा में ब्रिटेन की पॉलिसी इनकी आ, ये सभी ये वाला पॉइंट भी ब्रिटेन इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर ठीक है ना इन्होंने रवांडा के साथ अग्रीमेंट किया है कि हम मतलब वन साइड टिकट देंगे ठीक है ना और वन साइडेड टिकट किस आ, भेज मतलब वो वहाँ पर जाकर रहेंगे रवांडा में ठीक है ये आप नोट कर लीजिए रवांडा वाला पॉइंट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया में बात हो रही है तो जो रिसेंटली न्यूज़ अगर किसी और देश की है तो वो भी हमें पता होना चाहिए तो रवांडा साइलम प्लान बोलते हैं लोग इसको ठीक है चलिए रवांडा की स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देती हूँ ये ब्रिटेन ने किया एग्रीमेंट कि हमारे यहाँ ब्रिटिश यू के अंदर कोई भी अगर ऐसे इलिगली आएगा तो हम उसको वन साइड टिकट रवांडा के दे देंगे और वो हमारे देश से बाहर चला जाएगा वन द फॉरनर हैज बीन अप्रीहेंडेड बाय ये नोट कर लिया आपने वन द फॉरनर हैज बीन अप्रीहेंडेड बाय द पुलिस फॉर स्टेग इलीगीगली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट ही और शी इज प्रोड्यूस बिफोर द लोकल कोर्ट इफ द एज इज फाउंड गिल्टी दे आर कैन बी इंप्रेजेंट फॉर थ्री मंथ्स टू एट ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग सेंटेंस द कोर्ट्स ऑर्डर्स डिपोटेशन द फॉर इनपेड्स आर मूव टू डिटेंशन सेंटर टिल द कंट्री ऑफ ओरिजन वेरीफाइज एंड एक्सेप्ट कंट्री ऑफ ऑरिजन जो है वो वेरीफाई करती है और फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको दो देर आर नो सेपरेट रूल फॉर डिपोर्टेशन ऑफ द रोहिंगज ऑन ऑग्टीन फ्यर्स फ्रेश ऑफ रोहिंगा फॉर मायामार एम एच ए रोड टू ऑल दस्ट दट इन फ्राम राीन स्टेट ऑफ मायामार इन टू इंडियन टेरिटी स्पेशली इन द रिसेंट ईयर बिसाइड बिंग अ बर्डन ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑल्सो एग्रोवेट्स दिक्योरिटी चैलेंज पोस्ट टू द कंट्री तो क्या बोला हमारी होम मिनिस्ट्री ने बोला कि देखो हमारे पास खुद के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं ठीक है ना हमारी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम किसी और देश को एडजस्ट नहीं कर सकते ठीक है नंबर वन प्लस क्या बोला कि ये सिक्योरिटी को भी चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी को भी चैलेंज है ठीक है ना तो ये चीज़ें बोली गई एम के द्वारा इट ऑल्सो सेट द राइज इन टेररिज्म इज अ लास्ट फ्यू डिकेट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न इन मोस्ट नेशन एंड दैट इलीगल माइग्रेंट आर मोस्ट वालरेबल टू मोस्ट वालरेबल टू गेटिंग रिक्रूटेड बाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है ना तो वो क्या कहते हैं कि जो ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूट बहुत जल्दी करती है बिकॉज इनके पास जॉब्स नहीं होती हैं इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है इनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं लोग बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ठीक है ना और इंडिया में इंडियंस को जॉब मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है हैव एनी रोहिंग्या बीन डिपोर्टेड येस ट्वेंटी एटीन के अंदर सेवन रोहिंग्यास डिपोर्ट किए गए थे मतलब वापस म्यांमार भेजे गए थे तो ये नोट कर लीजिए इट वॉज अ फर्स्ट टाइम दैट म्यांमार इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी टू सेवन रोहिंगास देड बिन पिकड अप इन असाम इन ट्वेंटी ट्वेल्व इंडिया ट्वेंटी ट्वेल्व में पकड़े गए थे अकॉर्डिंग टू एडवोकेीसी ग्रुप हूमन राइट्स वॉस अक्टोर ट्वेंटी एटी इंडिया एज रिपोर्ट ट्वेल्व रोहिंग्यास टू म्यामार तो ट्वेल्ल रोहिंगज हम भेज चुके हैं हाउवर द गवर्मेंट डिनाइड रिपीटेड रिक्वेस्ट बाई यू एन एच सी आर टू गेन असैस टू दैम टू इंडिपेट असैस वेदर द डिसजन वॉज वॉल्ट्री ठीक है तो इसके अंदर जो रिफ्यूजी कैम्प है यू एन एच सी आर है ये सिर्फ और सिर्फ इनको आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है हेल्प कुछ नहीं करता इनकी ठीक है ना वा ही कर रहा है इनकी हेल्प इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू नाइनटीन फिफ्टी वन यू एन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिव्यू उूजी हमने ये साइन नहीं किया यूएन कन्वेंशन जो रिफ्यूजीज़ वाला है वो इंडिया ने साइन नहीं किया है ठीक है ना वी हैव नॉट साइन दिस तो ये हमारा नोट कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट है ऑल फॉरन अनडॉक्यूमेंट आर नेवर्न एज पर किस में गवर्न करते हैं कौन सा लॉ लगता है द फॉरन एक्ट नाइनर्स एक्ट नाइनटीन फोर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर एक्ट नाइन सिक्स द पासपोर्ट एंट्री इंटू इंडिया एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी एंड सिटीजनशिप एक्ट नाइन फिफ्टी फाइव ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लेंगे द इनफॉर्म पार्लियामेंट ऑन आई फाइव दट फॉरन नेशन हु कंट्री विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स आर ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स इन ट्वेंटी रिजीजू हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट लोकसभा दट देर इज नो नेशनल लॉ ऑन रिफ्यूजीज एट प्रेजेंट तो हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें दो फैक्ट्स मिल गए क्या मिल गए दो फैक्ट्स एक तो हमारे यहाँ रिफ्यूजी से रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं है तो कौन से लॉज गवर्न करते हैं ये वाले जो हमने डिस्कस कर लिए नंबर वन नंबर टू अगर कोई भी बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में आता है उसको क्या बोलते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स क्या बोलते हैं उसको इलीगल इमिग्रेंट्स ठीक है ये रोहिंग्या वाला चैप्टर सबको समझ में आ गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब न्यूज़ के अंदर आ गए तो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और बीच में थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए कश्मीर वोटर लिस्ट तो कश्मीर की वोटर लिस्ट तो डिलिमिटेशन वहाँ पर होगी थी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में किसी को नहीं पता किसको नहीं पता तो आप बता सकते हैं चार्ट में अगर आप एक्सप्लेन करना होगा तो मैं कर दूंगी ऑन ऑगस्ट 17 द जे एंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे एंड के जिन लोगों को ट्वेंटियथ की जिन लोगों को एक मिनट जिन लोगों को ट्वेंटियथ की न्यूज़ नहीं मिल पा रही है ट्वेंटियथ की येस yes. आप कम्युनिटी पे जाइए कम्युनिटी के ऊपर लिंक पोस्ट करा हुआ है मैंने वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कम्युनिटी पेज होता है लॉगिरी का लॉगिरी का, का नहीं सॉरी एग्जाम आयर का सॉरी गाइज अभी भी मेरे मुँह पे लॉगिरी चढ़ा हुआ है एजुगिरी हो गया अब हाँ ये ऑन अगस्त सेवेंटीन द जे के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जे एंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है सी ई सो सी कौन है हृदेश कुमार इन्होंने क्या कहा दैट एनी वन लिविंग अनाउंस दैट एनी वन हु इज लिविंग ऑर्डिनरली इन जे एंड के कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनलिस्टेड एज अ वोटर इन द यूनियन टेरेटरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट कि क्या है कि जो भी जे में रह रहे हैं लोग उनके पास होगी राइट टू वोट इन द स्टेट इलेक्शंस ठीक है ना ये नॉर्मल है हर स्टेट के अंदर हम किसी भी स्टेट से हैं मतलब बहुत सारे लोग जो तो दिल्ली में रह रहे हैं वो दिल्ली से नहीं बिलोंग करते ठीक है ना वो किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं बट उनके वोटर आई डी यहाँ से बने हुए तो वो कहते हैं वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी आप किसी भी स्टेट से हो अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो आप वोटिंग देख सकते हो ठीक है ना तो ये वाला सारा का सारा लिख लो यहाँ पर ओके ये अपने नोट्स में डाल लो उसके बाद ही सेड दैट मेनी पीपल हु वर नॉट इन एज वोटर्स इन द दर्सवेल स्टेट ऑफ जे एंड के वर नाउ एलिजिबल टू वोट आफ्टर द रीडिंग डाउन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऑन ऑगस्ट फाइव ट्वेंटी नाइटी तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी कब रिमूव किया गया फिफ्थ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन्टीन को रिमूव किया गया एंड उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी कि जो बाहर के स्टेट से आए हैं वो नहीं वोट कर सकते बट अब क्योंकि आर्टिकल थ्री सेवेंटी चला गया तो अब ये वाला जो है इसका जो रूल ये था वो भी रिमूव होता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एक्सपेक्टिंग एन एंडिशन ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लाख न्यू वोटर्स इन द फाइनल लिस्ट इन जे एंड के ही एडेड हु एल्स इज इलिजिबल टू वोट और कौन वोट कर सकता है मिस्टर

उसके बाद द सीईओ सेट द एक्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल इज बिंग मैप्ड इन टू द न्यूली डीलिमिटेड असेंबली कॉन्स्टिटुएंसीज एज पर डिलिमिटेशन कमीशन फाइनल ऑर्डर मेड एप्लीकेबल बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू अब जो क्लाट वाले बच्चे हैं ना ये डेट भी नोट कर लेंगे कि कब ये एप्लीकेबल डीलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है वो लॉ मिनिस्ट्री ने कब एप्लीकेबल किया है ये इंपॉर्टेंट डेट है सिर्फ क्लाट एल वाले बच्चों के लिए बाकियों के लिए नहीं द ई सी आई इज वर्किंग ऑन फ्रेश इलेक्टोरल रोल इन जे एंड के आफ्टर द जे एंड के डिलिमिटेशन कमीशन अर्लियर दिस ईयर कार्ड आउट सेवन न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यू टी तो वहाँ पर क्या हुआ सेवन न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज आई हैं सिक्स गोइंग टू जम्मू डिविजन एंड वन टू कश्मीर तो ये आपको नोट करना है कितनी डीलिमिटेशन क्या होती है देखो हम यहाँ पे ये एरिया है ठीक है ना ये एरिया ये सेक्टर्स बने हुए हैं कुछ एरियाज बने हुए हैं कॉलोनीज बनी हुई हैं ठीक है अब यहाँ पे कहेंगे कि ये वाले एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा तो ये एक वार्ड है ठीक है ना ये एक वार्ड है ठीक है ना इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से वो डिवीजन करते हैं वो वार्ड्स डिवीजन करते हैं अंडर द अब यहाँ पे वार्ड्स जो है वो इंक्रीज कर दिए सेवन वार्ड्स ऐड किए गए हैं सिक्स जम्मू में ऐड किए गए हैं और वन जो है वो कश्मीर में ऐड किया गया ये हमें नोट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीआरगेनाइजेशन एक्ट अडोप्टीन ट्वेंटी नाइनटीन जम्मू नाउ हैज फोटी थ्री सीट्स अगेंस्ट फोर्टी सेवन इन कश्मीर तो ये पूरा का पूरा आपको नोट करना है ये लो अंडरलाइन कर दिया ठीक okay? है अब यहाँ पर इन अ लेटेस्ट मूव दी आई हैज डिसाइडेड दैट इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी पर्सन हू हैज अटेन द एज ऑफ एटीन ईयर्स ऑन और बिफोर अक्टूबर वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन द फ्रेश इलेक्टोरल रोल द फाइनल इलेक्टोरल रोल विल भी पब्लिश ऑन नवंबर ट्वेंटी फाइव तो ये तो हमें रूल पता है ना हम पढ़ रहे हैं कि पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो एक पर्टिकुलर मैं ख्याल से जो जनवरी में तक एटीन का हो जाता था उसका ही वोटर आई डी बनता था मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो एटीन का फर्स्ट जनवरी तक हो गया उसका वोटर आई डी बनेगा उसके बाद नहीं बनता था ये डेट्स मैं क्लियरली ले आऊँगी बट अब रूल चेंज हो गया इन्होंने थ्री बार दे दिया है ईयर के अंदर जब जब कोई एटीन का होगा तब तक उसके इलेक्टोर इलेक्ट वोटर आई बन सकती है मिस्टर कुमार सेट देर इज़ नो नीड फॉर अ पर्सन टू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जे एंड के टू बिकम अ वोटर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर आप नॉर्मली रह रहे हो तो देर फॉर यू आर यू हैव अ राइट टू वोट डोमिसाइल के अंदर ना नंबर ऑफ ईयर और ये सब कुछ होता है आपका लैंड होना चाहिए ऐसा कुछ वो नहीं भी है तब भी आप वोट कर सकते हो मतलब तो जैसे नॉर्मली दूसरी स्टेट्स के अंदर इंडिया के हो रहा है वैसे ही यहाँ पर होगा ऐसा बोला गया आफ्टर द अबॉर्गेशन मतलब गिव अप कर दिया जब सेविल स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी में दिया हुआ था द रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एन फिफ्टी वन इज़ एप्लीकेबल इन जे एंड के ठीक है

ठीक है और जो रिजाइड कर रहा है वहाँ पर बट शर्त क्या है नेटिव मतलब जहाँ से एक्चुअली वो हैं वहाँ से आपको नाम कटवाना पड़ेगा अब कोई दिल्ली से गया जे ठीक है वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं तो अब दिल्ली में वोटर वोट बनी हुई है इनकी तो दिल्ली से नाम कटवा कर जे एंड के में कराना चाहते तो करवा सकते हैं ठीक है प्राय टू अगस्त फाइव ट्वेंटी नाइनटीन में हैड स्पेशल स्टेटस जब जे के पास स्पेशल स्टेटस था तब क्या था द स्टेट इलेक्टोरल रोल्स इन द स्टेट वर ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी ओनली परमनेंट रेजिडेंट ऑफ जे एनकेट रजिस्टर्ड इन देंबली पोल्स इन द रोल्स टू गेट वोटिंग राइट पर ठीक है बिफोर का जो लॉ था वो हमें पता होना चाहिए दोबारा हर किसी को देखो जे एंड के का इश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए ना ट्वेंटी फाइव लैक नॉन नॉन लोकल मेक दैम एलिजिबल टू कास्ट देर वोट्स तो जो जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे महबूबा मुफ्ती और ये सब ये लोग क्या कर रहे हैं ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं फ़ीफ़ा की तो फ़ीफा को फ़ीफा ने क्या कर दिया एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया कहते जाओ बाय बाय क्यों थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का बोलकर लेट ऑन अगस्त 15 एक मिनट रुक रहा मैं पानी का एक घुट पी लूँ हाँ सॉरी गाइस मेरे टॉन्सल पके हुए हैं तो इसलिए पानी पीना पड़ रहा है चलो स्टार्ट करते हैं तो वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फ़ीफा जो है सस्पेंडेड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए आई एफ एफ ठीक है ना तो इसकी फुल फॉर्म बताना चाहिए किसने सस्पेंड किया फ़ीफा ने किया ठीक है इन इनडेफिनेटली फॉर अनड्यू इंटरफेरेंस बाय द थर्ड पार्टी तो रीज़न क्या दिया देखो यहाँ पे हमारे नोट्स क्या बनेंगे फ़ीफा ने फीफा ने एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया फीफा क्या है वर्ल्ड की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी ये इंडिया की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी ठीक है और क्यों रीजन क्या दिया यहाँ पे ये रीज़न ये रीजन कि अनड्यू इंटरफ़ेरेंस बाय थर्ड पार्टी क्या लिखोगे अनड्यू इंटरफ़ेरेंस बाय थर्ड पार्टी पार्टी क्लियर द इन द प्रोसेस टू फाइनलाइज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट ऑफिस ब्योरस तो यहाँ पर क्या चाहती थी सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता था क्या चाहता था सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता था सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि एक तो नई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए इनकी और इलेक्ट ऑफिस ब्योरर्स मतलब प्रेसिडेंट चेयरमैन ये सब कुछ नया बन जाए ये एम था क्या था एम ठीक है द थर्ड पार्टी इन क्वेश्चन वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कंप्राइजिंग जस्टिस रिटायर्ड अनिल देव फॉमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस वाई कुरेशी सॉरी फॉर द बर्ब एंड फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन भास्कर गांगुली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इस कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का पार्ट था देखो सबसे पहले यहाँ पे याद करवा के भेज लूँ आज तो घर नंबर वन फीफा ने किसको लात मारी कि कि किसको मारी वर्ल्ड फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फुटबॉल की ट्रिक्स किस पे दिखाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए पे क्यों क्यों कहते हैं कि अन ड्यू इंटरफेरेंस बाय थर्ड पार्टी यह अनड्यू इंटरफेरेंस बाय थर्ड पार्टी कौन इंटरफेयर कर रहा है इनकी जिंदगी में ए की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ये कमिटी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर्स किसने बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, ने. क्यों बनाया कि भैया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और न्यू ऑफिस बेयरर्स को इलेक्ट कर लो ठीक है अब इसके मेंबर्स कौन कौन थे एक तो थे जस्टिस अनिल देव एक थे एस वाई कुरेशी और एक थे भास्कर गांगुली

formed uh, in May to temporarily assume charge of AIFF after the previous establishment led by President Praful Patel was deemed to have overstayed in National Sports Development Code of India mandated 12 year tenure. तो अभी Praful Patel जो President है, ex कौन है इसका, ex कौन है AIFF Ka? ex है Praful Patel वो जब President और वो overstay कर गया, अपना tenure, tenure मतलब duration, उनका duration जो था, वो उससे ज़्यादा overstay कर गया, according to the National Sports Development Code of India, 12 years से ज़्यादा नहीं रह सकते, वो

जैसे तो तुम लेटर लिखते हो ना कि मम्मी कल मेरे को स्कूल से छुट्टी लेनी है तो तुम कच्ची लेटर लिख दो फेयर करते हो पक्की तो ये कच्ची है 13, has, uh, अभी ठीक है क्या डिसीजन लिया कि जो स्टेट एसोसिएशन है ये तो इंडिया की एसोसिएशन होगी ना जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वहाँ पे उसके नीचे कौन सी होगी स्टेट एसोसिएशन और इंडिया के प्लेयर्स, तो उनको क्या किया 50 50 परसेंट दे दिए वोटिंग राइट्स ठीक है इन द इलेक्टोरल कॉलेज 36 वोट सीट बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो 36 36 सिक्स वोट दोनों को दे दी द स्पोर्ट कोड अ मिनिमम ऑफ ट्वेंटी रिप्रेजेंटेशन फॉर प्लेयर्स इन डिसीजन मेकिंग रोल्स ये इंडिया वाले कहते हैं ठीक है ना ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए फीफा वाले क्या कहते हैं

हाँ या ना इन द चार्ट सेक्शन एवरीबडी ट्वेंटी फाइव परसेंट ले आउट ठीक है ना अब आगे क्या कह रहे हैं वाट आर द रेपर्शन रेप्रोक ऑफ द सस्पेंशन ठीक है ना क्या हो जाएगा देखो तो यार इंडिया जो है एक तो अंडर सेवेंटीन वर्ल्ड कप होना है हमारे यहाँ पर गोकुलम केरला एफ सी नॉट बिंग अलाउड टू प्ले इन द ऑन गोइंग ए एफ सी वुमेंस क्लब चैंपियनशिप इन उजबेकिस्तान इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट ब्लो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेपरकॉर्शन का मतलब होता है कि इसका क्या सबसे बड़ा मतलब नुकसान क्या है सबसे पहली चीज क्या है इसका रिजल्ट क्या है ठीक है विल द कोर्ट इंटरवेंशन सेट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया इन टू थाउजेंड इन ट्वेंटी ट्वेल्व टेबल टेनिस हॉकी जूडो हैव बीन प्लेसड अंडर कोर्ट अपॉइंटेड सी ओ एस फॉर नॉट फॉलोइंग द स्पोर्ट कोर्ट्स ठीक है तो क्यों इनको प्लेस किया गया सी ओ एस के अंदर अब यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है क्यों सी ओ ए बनाई सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये स्पोर्ट कोर्ट फॉलो नहीं कर रहे थे ठीक है ना अडे आफ्टर ए आई एफ एस सस्पेंशन द डेली हाईकोर्ट अब यहाँ पर क्या हो रहा है डेली हाई कोर्ट ने ओलंपिक डेली हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए सी ओ ए बनाई गई थी अब बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मतलब भाई रुक जाओ वो कहते हैं सी ओ ए ओलंपिक वालों का नहीं देखेगी रुक जाओ अभी इनको ही देखने दो इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी शुड सी द डेवलपमेंट वो कहते हैं उनको लग रहा है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो ऐसा थर्ड पार्टी इंटरफेयरेंस इसको ना देख ले चलो हमारे एडिटोरियल्स हो गए बट अभी तो चाइना के बारे में पढ़ना हमें ठीक है संडे के एडिटोरियल्स भैया ऐसे इंफॉर्मेटिव होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और ढेर सारे होते हैं चलिए ऑन जुलाई ट्वेंटी जनरल सेक्रेटरी जी जिंगपिंग विजिटेड द मिलिट्री म्यूजियम अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ना जरूरी है हमने पहले भी आर्टिकल में भी पढ़ा था अरे भैया ऐसी तुम बहुत ठंड कर रहे हो तुम्हारा रिमोट कहा रख दिया मैंने <laughs> ये रहा। ठंड लग रही है ए को बंद करेंगे मिलिट्री म्यूजियम अ मैसिव सोवियत स्टाइल कॉम्प्लेक्स इन वेस्ट बीजिंग कब कहाँ है वेस्ट बीजिंग में दैट अबाउट द हेडकुआटर द पी एल ए विच टर्न नाइन्टी फाइव ऑन ऑगस्ट वन कितने सालों का होगा पी एल ए नाइन्टी फाइव पी एल ए क्या है पीपल्स लिब्रेशन आर्मी ठीक है ना तो चाइना ने अपनी आर्मी को भी नाम दिया हुआ है क्या है पीपल्स लिबरेशन आर्मी कितने सालों की होगी नाइन्टी फाइव ईयर्स की हो गई ठीक है वॉज मार्किंग द डबल एनिवर्सरीज द सी पी सी टर्न हंड्रेड लास्ट ईयर सी पी सी कितने सालों की होगी हंड्रेड ईयर्स की द मैसेज वॉज डायरेक्ट डायरेक्ट कन्वेड इन four स्पॉलिंग exhibits, ईट फोकसिंग ऑन की पीरियड इन द पी एल एज हिस्ट्री तो ये क्या है फोर एग्जिबिट्स बनाए हुए हैं इन्होंने ये म्यूजियम के अंदर तो फोर की पीरियड्स को ये दिखा रहे हैं ठीक है ना यहाँ पे लिख लो की पीरियड फोकसिंग ऑन की पीरियड्स इन द पी एल एज हिस्ट्री फ्राम द रेवल्यूशनरी एरा टू इट्स करंट मॉडर्नाइजेशन इन द पास डेकेट अंदटर जी विच रिसीव द बिगेस्ट डिस्प्ले इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्राम चाइनाज थ्री एयरक्राफ्ट कैरियर टू इट्स कैरियर किलिंग मिसाइल्स ठीक है अब यार मिस्टर जी हु कम्प्लीट जी को कितने साल हो गए टेन ईयर्स हो गए अब ये थर्ड अपना ईयर करें, स्टार्ट करेंगे थर्ड टर्म स्टार्ट करेंगे वन टर्म कितने ईयर्स का है फाइव ईयर का ठीक है टेन ईयर्स हो गए मतलब टू टर्म्स हो गए अब ये थर्ड टर्म स्टार्ट होगा ठीक है अब ये क्या है कांग्रेस वंस इन फाइव ईयर पार्टी कांग्रेस लाइकली इन अक्टूबर हैज सिंस टेकिंग ओवर एम्फेसाइज द चाइनीज ड्रीम ये चाइनीज ड्रीम को क्या बोल रहे हैं झूंगो मैंग भैया याद करनी पड़ेगी तुम्हें ये झूंगो मिंगो Of the great rejuvenation of the Chinese nation as the central theme. Okay, so this is important. Soon Yat sen, who became the first president of Republic of China in 1912, founded a revived China society as early as 19, uh, 1894. This is also important. मिस्टर जी हैज़ मोर देन मोर देन हिज प्रेडिसस मतलब जो इससे पहले आए थे उनसे ज़्यादा इनके पास इम्फेसाइज द आइडिया ऑफ रिवाइवल एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री क्या बोला क्याग्यो स्ट्रॉन्ग कंट्री ठीक है द पार्टी हैज़ अंडर मिस्टर जी डिक्लेयर द थर्ड न्यू एरा तो जी के अंडर क्या हो गया तीसरा एरा थर्ड एरा स्टार्ट कर दिया ठीक है ना थर्ड टर्म तो इसका वो फाइव ईयर्स का टेन ओर हो गया थर्ड एरा तो पहले दो किसके नीचे थे देन जियापिंग एरा था एक विच फॉलोड द फर्स्ट माओ एरा तो पहले क्या आया माओ फिर आया डेंग जियापिंग तो ये सेकेंड एरा इसका था फर्स्ट एरा इसका था और थर्ड एरा किसका है जी जिंगपिंग का ये चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी नाउ स्टडी टू बिल्ड अ पावरफुल कंट्री तो एक ना ये ऐप है ठीक है जूजी जी ठीक है विच इंटेंशली कैन ऑल्टरनेटिव भी रेड एड स्टडी फ्रॉम जी बिल्ड अ पावरफुल कंट्री यूजर्स ऑन द ऐप ये एक एप्लीकेशन है जो कि इनके चाइना के पॉलिटिशंस को यूज़ करना कम्पल्सरी है तो यहाँ पर न्यूज़ अबाउट ऑफिशली कॉल जी जिंकपिंग थाट ऑन सोशलिज्म सोशलिज्म विद चाइनीज करेक्टर टिक्स फॉर अ न्यू एरा पार्टी मेम्बर्स आर रिक्वयर टू यूज़ दिस एप विद द हॉन्गकॉन्ग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टीज मोस्ट सक्सेसफुल प्रोपागेंडा एफर्ट टू डेट इन 2012 ट्वेल्व जपान मूव टू नेशनलाइज तो ठीक है यही है इसके बारे में जो यहाँ पे नोट करना है अभी ये बार बार आएगा द न्यूक्लियर फ्रंट लाइन अब ये बात कर रहे हैं यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लान के बारे में यूक्रेन हैव ऑलरेडी इंडोर्ड वन ऑफ़ द वर्स्ट डिज़ास्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी द एक्सीडेंट एट चर्नोबिल प्लांट इन 1986 तो चर्नोबिल प्लांट में जो एक्सीडेंट हुआ था न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था वो कब हुआ था और वो न्यूक्लियर में वो मतलब यूक्रेन में ही है ये नाइनटीन में हुआ था लेस देन फोर डेकेज लेटर न्यूक्लियर ये ये नोट करना है न्यूक्लियर अलार्म बेल्स आर रिंगिंग अगेन कौन से जेपोर री जेजिया ठीक है ना जपोर आई जेड जेडेट या ठीक है जेपोर वाटर वेपर होता है ना वैसे ये जेपर है जेपर आई जी जिया ठीक है न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर है यूक्रेन के अंदर है प्लांट प्लांट बिल्ड बाय सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन मतलब रशिया और उसके बहन भाई जब सब एक साथ थे फिर इनके लड़ाई हो गई तो रशिया अलग बाकी सब अलग सोवियत यूनियन इन द अर्ली नाइनटीन एटीज में बनाया गया इट्स सिक्स वाटर कूलर रिएक्टर ऑक्यूपाई ये नोट कर लो ये वाला पॉइंट ऑक्यूबाई हाफ अ स्क्वायर माइल ऑन द बैंक्स कौन से रिवर की बैंक्स है बैंक्स ऑफ दनायपुर रिवर नियर द टाउन ऑफ एरर हॉडर तो ये ये भी नोट करना जरूरी है सेकेंड पॉइंट बन गया विद द कपैसिटी ऑफ फिफ्टी सेवन थाउजेंड्रेड्रेड फिफ्टी सेवन हंड्रेड एम डब्ल्यू इट इज द न्यू यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लान ये फैक्ट है कि यूरोप का क्या है लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है इट इज इम्पॉर्टेंट अंटिल द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन फेबरी ट्वेंटी इट यूज टू सप्लाई वन फिफ्थ ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ना अब यूक्रेन एंड द यू एस हैव अक्यूज रशिया ऑफ यूजिंग द जपोसिया प्लांट एज ए न्यूक्लियर शील्ड टू लॉन्च अटैक्स ठीक है अब ये कह रहे हैं कि ये कोई कह रहा है इसके ऊपर अटैक कर रहा है रशिया कह रहा है कि ये खुद उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं यूक्रेन वाले ठीक है रफेल ग्रॉसी द हेड ऑफ़ अब यहाँ पर रफेल ग्रॉसी हेड ऑफ इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी एजेंसी वॉन्ट दैट ठीक है इनके हेड का नाम नोट कर लो ये वार्निंग वार्निंग तो देते रहते हैं बट ये हेड का नाम नोट कर लो इस एजेंसी के ठीक है वॉर का है Hmm. ये हमने कर ली बस गाइस लास्ट एडिटोरियल ये हो गया हमारा काम तो कीनिया के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है विलियम रूटो ये कभी रूटते नहीं है कौन है ये विलियम रूटो ठीक है ना बोरीटो चलो अब यहाँ पर ड्यूरिंग दिस इयर्स इलेक्शन कैंपेन हैड कास्ट डाउट ऑन मिस्टर रूटोज प्रॉस्पेक्ट्स एज प्रेजिडेंट किन किन याटा की की यू इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप तो किन याटा एक प्रेसिडेंट एक पर्सन था की यू जो वहाँ पे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है इन द कंट्री हैड पब्लिकली डिस हिम ठीक है बट मिस्टर रोटो द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ कैलेंजीन्स रीच आउट टू अदर एथनिसिटीज इंक्लूडिंग द की यूज ही रैन अ कीनिया कौानजा क्या ब्रांड किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीनिया कंवानजा मतलब कीनिया कवानजा मतलब कीनिया फ़र्स्ट तो ये कुकूयू जो कम्युनिटी थी उन्होंने तो डिसोन कर दिया था इसको तो यहाँ से नोट कर सकते हो बट ये कहता कि रवान क्या फ़र्स्ट कीनिया फ़र्स्ट कैंपेन फोकसिंग ऑन द यूथ एंड प्रॉमिसिंग इकनॉमिक ग्रोथ ठीक है ना ही हिमसेल्फ ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ चैम्पियन ऑफ कीनियाज हस्टर हसलर येस नॉट हस्टर हसलर नेशन ठीक है ना तो याद रखना इनको कितने वोटें पड़ी फिफ्टी पॉइंट फोर नाइन परसेंट दूसरे वाले को भी अच्छी पड़ गई यार थोड़ा सा ही फ़र्क था हाय मेरी गर्दन ओ चलो अब ग्रीस ईयू यू स्क्रूटनी एग्जिट एंड ट्वेल्व इयर्स ऑफ पेन पीएम अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और अलग है ये क्या है एम ई स्टार सॉरी गाइस ग्रीस एग्जिट ऑन सैटरडे फ्रॉम द यूरोप यूनियन सो कॉल्ड इन्स सर्विलेंस फ्रेमवर्क तो ग्रीस ने क्या किया है यूरोप यूनियन का इन्सड ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन का सो सो कॉल्ड क्या है इन्हेंस सर्विलेंस फ्रेमवर्क फॉर इट्स इकोमी एंड ट्वेल्व ईयर्स ऑफ पेन तो इसे हमें क्या पता चलता है कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो देख रेख में चल रही थी किसके यूरोपियन यूनियन के कितनी ईयर्स के लिए ट्वेल्व ईयर्स के लिए ठीक है एंड अलाउज द कंट्री ग्रेटर फ्रीडम इन पॉलिसी मेकिंग अब क्या होगा इनको अब ये एग्जिट मतलब ये खत्म हो गया तो क्या होगा इनको ग्रेटर फ्रीडम मिलेगी पॉलिसी मेकिंग में कौन है प्राइम मिनिस्टर क्रियाकोस मित्तोसता ठीक है अब ग्रीस 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 इकॉनमी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज बीन क्लोजली मॉनिटर्ड अंडर द कैसे क्लोजली मॉनिटर्ड हुई है अंडर द फ्रेमवर्क सिंस 2018 2018 से इनकी जो इकॉनमी है वो क्लोजली मॉनिटर होती रही है टू इंश्योर इट इंप्लीमेंटेड रिफॉर्म्स प्रॉमिस्ड अंडर थ्री इंटरनेशनल बेल ठीक है ना तो इनके मतलब इनकी इकॉनमी को कुछ हो गया होगा तब इनको बेल आउट किया मतलब इनकी हेल्प करी यू ने तब मोर देन 260 सिक्सटी यूरो बिलियन यूरोज फ्राम द यू एंड द इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड बिटवीन ट्वेंटी टेन एंड ट्वेंटी फिफ्टीन तो इनकी ग्रीस की इकॉनमी का क्या हो गया था बाजा बज गया था ठीक है

अब ये नोट करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर एल एन डी कमीशन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट हजीरा अब ये इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फॉर्म लार्सन एंड टॉर्बो लार्सन एंड टॉर्बो के बारे में अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कौन बताएगा मुझे क्यों पढ़ा था क्यों पढ़ा था हमने चार्ल्स ड्रू चार्ज ड्रू यही ठीक कर रहे हैं उसको किसको ठीक कर रहे हैं ये चार्ज ड्रू को ठीक कर रहे हैं अब ये यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड ठीक है एलएनटी एल एन टी क्या ले करें कमीशन द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट इट्स कॉम्प्लेक्स हेयर इन गुजरात कहाँ पर गुजरात में ठीक है एज पार्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस कमिटमेंट एल एन टी इज प्लानिंग एल एन टी क्या कर रही है इज प्लानिंग टू अचीव वाटर न्यूट्रालिटी बाई ट्वेंटी थर्टी फाइव एंड कार्बन न्यूट्रालिटी बाई ट्वेंटी फोर्टी मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन इंट्रीगल पार्ट ऑफ इट क्लीन फ्यूल अडोप्शन पॉलिसी कौन सी कंपनी का रही है एल एंड तो चार्ल्स ड्रू के बारे में हम बात कर रहे थे तो चार्ल्स ड्रू चाइना चाइना नहीं यूएसए की फर्स्ट शिप आई है यू एस ए से हमारे पास पहली शिप है जो रिपेयर के लिए आई है यू एस ए की फर्स्ट शिप जो इंडिया में रिपेयर के लिए आई है ठीक है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार्ल्स ड्रू ठीक है ना और ये एल एंड टी के उसमें वहाँ पे आई है याद में अडानी टू मेक ओपन ऑफर फॉर ए सी सी एंड अंबूजा द अडानी ग्रुप इज़ लाइकली टू मेक एन ओपन ऑफर वॉर्थ थर्टी वन थाउजेंड करोड़ नेक्स्ट वीक टू एक्वायर ट्वेंटी सिक्स परसेंट स्टेक इन स्विस फॉर्म हॉल किम्स टू इंडियन इन्विस्टेड एंटिटीज अंबुजा सीमेंट ए सी सी तो ये नोट कर लो अडानी ग्रुप लेने वाला है अंबूजा सीमेंट ठीक है ना अब ये खुद अपने सीमेंट से ही अपना एयरपोर्ट और सब कुछ बनाएंगे अरे भाई ये क्या है देख रहे हो ये क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट तो यहाँ से क्या होगा ये देख रहे हो तुम ये छोटा सा ये छोटा सा नहीं ये दूर से दिख रहा है ये ऐसे यहीं पे लैंड हो जाता है और यहीं पर यहीं से टेक ऑफ हो जाता है कोई बात नहीं यहीं पे लैंड हो जाता है और यहीं से ही टेक ऑफ हो जाता है देख रहे हो देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर ठीक है ना तो यहाँ पे ये देख रहे हो ये ये क्या ये हैंगर है होता है यहाँ पर एयरक्राफ्ट यहाँ पर यहाँ से आएगा यहाँ पर खड़ा होगा एयरक्राफ्ट खड़ा होगा यहाँ पर एयरक्राफ्ट और ये झूम करके नीचे चला जाएगा और नीचे से अंदर मतलब यहाँ पे अंदर नीचे इसके नीचे एयरक्राफ्ट रखते हैं और यहाँ पे ना वो होता है अब कहोगे कि इतनी जल्दी कैसे होता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना कि ये इसको इसके ऊपर हुक लगा देते हैं तो जब लैंड होता है हुक लगाते हैं और वही एयरक्राफ्ट को पकड़ लेता है बिकॉज इतनी वैसे तो लंबा है टेक ऑफ तो हो जाता होगा ईजिली बट लैंडिंग के अंदर इनको हेल्प देनी पड़ती है तो ये हमने खुद बनाया है ये हमने खुद बनाया है इंडिया ने खुद बनाया है तो इंडिया क्या बोलता है इसको आई विक्रांत ठीक है ना और इसका पेनेट नंबर क्या आर इलेवन है ये नोट कर लो इंडिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने खुद बनाया है इससे पहले हम सेकेंड हैंड खरीद रहे थे रशिया से ब्रिटेन से बट अब हमने फर्स्ट हैंड खरीदा और खुद ही बनाया तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इंडिया इज मेडन मतलब मेडन का मतलब क्या होता है फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब खुद बनाया खुद बनाया इंडिया ने ठीक है मेडन एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड एट द कोचिंग शिपयार्ड कहाँ पे बना है कोचिन शिप यार्ड में बनाया है द प्रोजेक्ट गो ऑट अंडर वे इन टू थाउजेंड सेवन द नील वॉज लेड इन टू थाउजेंड मतलब जैसे हम पत्थर रखना कहते हैं ना वैसे ऐसा नील कीपिंग कहते हैं इसको स्टार्ट करने को 2009 थाउजेंड नाइन द टू सिक्सटी टू मीटर लॉन्ग शिप ये नोट करोगे इतनी लंबी है 45,000 फाइव टन इज पावर्ड बाय फोर गैस टर्बाइन विद द कपैसिटी ऑफ 88 एट एम डब्ल्यू एंड कैन क्रूज एट स्पीड ऑफ 28 एट नॉट डिज़ाइन की जो डब्बे बना नोट करो डिज़ाइन इंडिजीनियसली एंड बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड करोड द कैरियर कैन टेक ओन नियरली थर्टी एयरक्राफ्ट तीस एयरक्राफ्ट ना बोथ फिक्स विंग एंड हेलीकॉप्टर्स ऑफ असॉर्टेड वेराइटी इट विल बी द मेक 28 ट्वेंटी एट के जो फाइटर्स हैं वो यहां से टेक ऑफ कर पाएंगे एंड के थर्टी वन हेलीकॉप्टर्स नोट कर लो दैट विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम द शिप बट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट डिसीजन आई एन एस विक्रांत कुड गेट रफेल एम और द एफ एटीन सुपर हॉर्नेट फाइटर्स ये भी इसके ऊपर आ सकता है रफेल जो हमने फ्रांस से ख़रीदे द एम एच सिक्सटी आर मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर टू इंडिया विल ज्वाइन द एयर आर्म ऑफ द कैरियर वन इंडक्टेड ठीक है तो अभी तक कौन है मिग ट्वेंटी नाइन है और के थर्टी वन हेलीकॉप्टर्स हैं बट सोन इसके अंदर कौन आ जाएगा एम एच सिक्स सिक्सटी आर रफेल भी आ जाएगा और एफ एट सुपर हॉर्नेट फाइटर्स भी आ सकते हैं ठीक है ठीके? द शिप विल बी manned by nearly seventeen thousand पर्सनल अंडर द कमांडिंग ऑफिसर कौन है अभी कमांडिंग ऑफिसर designate कमांडर विद्याधर हारके जीतकर ठीक है ना विद्याधर बहुत ही पढ़े लिखे ऑफिसर विद्याधर हारके ठीक है ओके ये है देखो फोटोज देख लो बढ़िया देख रहे हो ये हमारी बनी हुई चीज़ हमारे देश ये देखो ये एयरक्राफ्ट के नीचे अंदर वाली साइड है ये एयरक्राफ्ट का है ना फाइटर एयरक्राफ्ट का सिर्फ नगी इन हैंगर तो जो अंदर वाली साइड है उसको क्या बोलते हैं हैंगर ठीक है ना देखो तो यहाँ पे बैठा ये? है ये बढ़िया चलिए इसी बात पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा लाइक कर देना इस वीडियो को एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू कॉमेंट डाउन बिलो ठीक है दैट्स दैट एजुगिरी साइनिंग ऑफ सी यू सुपरसून बाय केयर